हेलो फ्रेंड्स, एकांक में चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डअप करना, रिकंस्ट्रक्शन यानी वही वर्क में कुछ एडिशन करना, कुछ चेंजेस लाना, चेंजेस इन कंस्ट्रक्शन यानी कि रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप में चेंजेस क्यों लाएंगे, तो वो रीजंस की वजह से चेंजेस आता है। तो यहां लिखा हुआ है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मींस चेंजेस इन पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मींस चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजंस। कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप पार्टनरशिप में चेंजेस लाते हैं। तो रीजंस क्या है, रीजंस में फर्स्ट द चेंजेस इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन कंटिन्यूअस पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में चेंजेस होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, अगर पहले हम दो पार्टनर हैं, दोनों ही पार्टनर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पहले, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होता है 50%। लेकिन अब हमने डिसाइड कर लिया कि मैं पार्टनरशिप में ज्यादा वर्क कर रहा हूं तो मैं कितना लूंगा, 60% लूंगा। मेरा पार्टनर मुझसे कम वर्क कर रहा है तो उसे 40% देंगे, तो पार्टनरशिप फॉर्म में वो चेंजेस हुआ। तो एक रीजन ये है, The changes in ratio of profit and loss. Second reason, admission of existing partnership form. Admission of, अगर हम दो पार्टनर हैं, हम किसी वजह से हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ रह जाता है वर्क में, तो हम तीसरे किसी पार्टनर्स को ऐड करेंगे जो हमारा वर्क बांट दे। वर्क बांटेगा तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। Admission of existing partner. And third, retirement or death of a partner of existing firm. Existing firm में किसी एक partner जो work नहीं कर रहा है, वो retire हो रहा है, या फिर किसी की death हो गई है, तो उस partner को निकालना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी profit and loss ratio में changes होने वाला है। तो reconstruction of partnership firm के तीन reasons हैं। First reason, changes in profit and loss in continuous form. Second, admission of any new partner. Third, retirement of death any partner. ये तीन reason है ना, ये तीन reason नहीं है हमारे 12th standard में account में, ये chapters है, ये है chapter number 4, ये है chapter number 5, और ये है chapter number 6। अब ये important chapter लगने लगेगा, ये important chapter है, chapter number 4 में हम देखेंगे अब profit and loss ratio में जो change होने वाला है उसके रीजंस। लेकिन पहले हम जान लेते हैं ये कितने मार्क्स का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है, उसका टोटल वेटेड है वो है 5 मार्क्स का। सेक्शन ए 1 मार्क्स एमसीक्यू, सेक्शन बी 1 मार्क्स वन शॉर्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी 3 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। इसका मतलब ये टोटल 5 मार्क्स का वेटेड है। नॉर्मली इसमें 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो फॉर्मूला बेस पर ही है। हम देखेंगे यहां पे फॉर्मूला लिखी हुई है। फर्स्ट फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, पार्टनरशिप फॉर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो चेंजेस होता है, तो कोई भी पार्टनर, अगर कोई एक दो पार्टनर है तो एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरे को गेन मिलेगा, अगर एक पार्टनर को गेन मिल रहा है तो दूसरा सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफाइस किससे बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज थे पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट, तो पहले हम पार्टनर थे 50% 50% है, यानी कि हम दोनों को 50 रुपीज मिल रहे हैं ईच पार्टनर को। लेकिन अब जब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की वजह से मुझे अब 60 रुपीज मिलेंगे, तो मुझे क्या होगा, मुझे होगा गेन। क्यों, क्योंकि मुझे न्यू शेयर है वो ज्यादा मिल रहा है, न्यू शेयर मुझे ज्यादा मिल रहा है उससे मिलेगा मुझे गेन। लेकिन मेरे पार्टनर को ओल्ड शेयर मिल रहा था वो ज्यादा मिल रहा था, तो आप देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसिंग बाय पार्टनर मतलब ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइस का मीनिंग क्या होगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेन का मीनिंग क्या होगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इन दो फॉर्मूला पर आपको सम आउट करना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अमर एंड अकबर आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इक्वल प्रपोर्शन।
इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब उसका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, होल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है इक्वली, यानी कि 1:1। तो यहां लिख लेते हैं ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर है 1:1। अब न्यू शेयर कितना होगा, जब देखो दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग प्रपोजन टू 3:2, उसका न्यू शेयर हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है 3:2 फॉर फ्यूचर। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट व्हाट सैक्रिफाइस हैज बीन मेड बाय ईच पार्टनर, किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है वो हमें काम करना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो काम कर रहा है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो के, फॉर्मूला लिखेंगे यहां पार्टनर्स सैक्रिफाइस, पार्टनर्स सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले हम देख लेते हैं दो पार्टनर है अमर, अमर सैक्रिफाइस, अमर सैक्रिफाइस कितना होगा, तो अमर का ओल्ड शेयर 1:1 यानी कि 1 प्रपोर्शन टोटल 2 तो 1/2 माइनस न्यू शेयर, तो न्यू शेयर क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5 प्रपोर्शन टोटल 5। अब ये एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या रहेगा 5 × 2 = 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 5 × 2 = 5 − 3 × 2 = 6, आंसर हुआ नेगेटिव 1/10। ये हो गया अमर सैक्रिफाइस रेशियो 1/10। अब लिखेंगे अकबर, सैक्रिफाइस अकबर का ओल्ड शेयर क्या है 1/2, न्यू शेयर क्या है 2/5। फिर से एलसीएम ले लो, एलसीएम के लिए क्या करना है 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4, यानी कि 1/10। आप देख सकते हो अमर के सैक्रिफाइस रेशियो में और अकबर के सैक्रिफाइस रेशियो दोनों में आंसर इक्वल है। मैंने पहले ही बोला था अगर कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरे को गेन मिलेगा, यहाँ गेन कौन कर रहा था, अगर सैक्रिफाइस की फॉर्मूला में आंसर नेगेटिव आए इसका मतलब ये पार्टनर कर रहा है गेन और ये कर रहा है सैक्रिफाइस। तो यहां लिखा था ना अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस कैलकुलेट व्हाट सैक्रिफाइस हैज बीन मेड बाय दिस पार्टनर, तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है अकबर, अकबर सैक्रिफाइस इज 1/10 शेयर, अकबर सैक्रिफाइस कर रहा है अपने शेयर में से। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को काम कर रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशियो यानी कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, गेनिंग रेशियो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर दिस चैप्टर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।